नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो रबड़ी, जो दूध और आम से बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस रबड़ी बनी है। एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा। आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। ये एक लीटर दूध लिया है मैंने, जिसे हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। लगभग 600 ml दूध रह जाना चाहिए हमारा। और साथ ही हमने ये ब्रेड लिए हैं। ये एक खास ट्रिक है जिससे हमारी रबड़ी ज़्यादा भी बनेगी और एकदम लच्छेदार रबड़ी बनेगी। ब्रेड के जो साइड के ब्राउन पीस हैं वे हमें हटा लेने हैं। हमें केवल इसका जो वाइट पोर्शन है उसका यूज़ करना है। चारों तरफ से हम हटा लेंगे इसको। ब्रेड का यूज़ हम दूध में करेंगे इस रबड़ी में, और रबड़ी हमारी एकदम शानदार बनेगी और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। इस तरह से ब्रेड के हमें टुकड़े कर लेने हैं। ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है हमें, केवल इस तरह से इसके टुकड़े कर लेने हैं हमें हाथ से, क्योंकि रबड़ी जो है हमें वो लच्छेदार बनानी है। ये देखिए, इस तरह से सारे ब्रेड को हमें टुकड़ों में कर लेना है। अब हमारा जो दूध देखिए वो थोड़ा कम भी हो चुका है। अब इसमें एक और ट्रिक है, दही। एक चम्मच दही लिया है मैंने, जिसे दो भागों में डालना है हमें। पहले आधा चम्मच डालना है, मिला लेना है इसको अच्छे से, और फिर इसके बाद में हमें आधा चम्मच और ऐड करना है दही। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये आम है जिसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। आप आम की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही एक कटोरी शक्कर ली है, ये लगभग 200 ग्राम शक्कर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध जो है हमारा देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, और साइडों में जो है इसकी मलाई चिपक रही है, उसे हमें हटा के दूध में मिक्स कर देना है। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर ऐड करने के बाद में इसको तुरंत हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा दूध जो है ज़्यादा शक्कर होने की वजह से फट भी सकता है। मिला देना है इसको अच्छे से, चलाते रहना है। धीरे धीरे हमारा दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें हम ब्रेड ऐड कर देंगे। ब्रेड का जो हमारा बुरादा बनाया हमने वो डाल देंगे इसमें। ब्रेड को लगभग 1-2 मिनट हम पकाएंगे। अच्छे से मिला देना है इसको। किसी को पता भी नहीं चलेगा जब आप रबड़ी उन्हें खिलाओगे कि इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया गया है। इतनी मज़ेदार रबड़ी बनने वाली है। मिला देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए धीरे धीरे जो है, ये देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बनी है, लच्छेदार एकदम। ये देखिए अच्छे से पक गई है हमारे। अब इसे रेस्ट के लिए रख दिया था मैंने, और ठंडा होने के बाद में जो हमारी रबड़ी है वो देखिए आप किस तरह से दिख रही है और कितनी डिलीशियस लग रही है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको, लेकिन हम मैंगो रबड़ी बना रहे हैं तो मैं इसमें मैंगो के स्लाइस ऐड कर दूंगी। सभी स्लाइस डाल देने हैं। थोड़े से हम रखेंगे गार्निश करने के लिए। इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी रबड़ी बनी है। गर्मियों के सीज़न में तो इसे खाने का मज़ा ही आ जाता है, तो एक बार आप भी ज़रूर बनाइए इस तरीके से। मिला देंगे अच्छे से। चलिए अब सर्व कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मैंने केक टिन यूज़ किया है। बहुत ही अच्छी रबड़ी बनी है हमारी। अब इसे मैंगो स्लाइस से हम गार्निश कर देंगे। इसमें कोई भी एसेंस डालने की आवश्यकता नहीं है।
ही इसमें आपको इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत है। बिना इनके भी ये रबड़ी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगी आपको। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है हमारी रबड़ी। अब थोड़े से पिस्ता डाल दूंगी मैं इसमें। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रही है। एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।